आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 6। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि एक वृत्ताकार मेजपोश, तो ये हमारे पास वृत्ताकार मेजपोश है, ओके। तो इस वृत्ताकार मेजपोश में जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। तो यानी इस बीच में एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसमें छोड़ते हुए क्या है, एक डिजाइन बना हुआ है साइड में, ठीक है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। यानी ये आकृति हमारे पास 12.24 है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो डिजाइन है छायांकित, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल? कुछ नहीं करना है भैया, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या दी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हल। तो मैंने यहाँ पर लिखा हल, ओके, और जो दिया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दिया है वृत्ताकार, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार मेज पोस की त्रिज्या यानी R, ओके। कितना दे रखा है भैया, तो वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया, ओके। तो त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, तो आसानी से आप इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल है ना, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखे पाई आर स्क्वायर, ओके। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 और गुने में आर स्क्वायर, यानी आर की जगह पे 32, तो बोले तो 32 गुने में हम रखेंगे 32, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 22/7 है तो 22/7 लिखेंगे, गुने में 32 और 32 में गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो 32 से 32 में गुना करते हैं तो 10 से 24 होता है, ठीक है, 32 का स्क्वायर 10 से 24। अब यहां से हम क्या करेंगे भैया, 10 से 24 में 22 से अगर हम गुना कर देंगे तो 10 से 24 से अगर 22 में गुना करते हैं तो कितना होता है, 22,588, ठीक है, आप लोग गुना करके देख लेना, ठीक है। हम गुना करके इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा इसलिए। तो बटे में 7 है तो 7 हम रख दिए, ठीक है, ये नीचे 7 तो 7। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल, ओके, इस बात को ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें देखो हम क्या करते हैं, अब निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका भुजा हमें नहीं दिया गया है, तो भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC पर लंब डालेंगे, ठीक है, ए से। तो आइए, यानी ये बीच में देखो केंद्र है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। तो ये जो केंद्र है, समझो कि त्रिभुज का भी केंद्रक है और इस वृत्त का भी केंद्रक है। तो इस केंद्र से होते हुए क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो आइए हम लंब डाल लेते हैं, चलो यहाँ से हम खींचते हैं, ये मैंने लंब खींच लिया, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं क्या, डी नाम रख दे, चलो हम डी नाम रख देते हैं, ये डी है, यानी AD लंब हो गया BC पे, ठीक है। तो लंब जब खींचते हैं तो बोले तो यहाँ पे समकोण होता है, इधर भी समकोण होगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये समबाहु त्रिभुज क्यों है, जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब प्रत्येक कोण क्या है, 60-60 डिग्री का, इस बात को ध्यान रखना, ये भी कौन 60 डिग्री, ये भी कौन 60 डिग्री, ये भी कौन 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें उससे मतलब अभी नहीं है। देखो भैया, अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, और त्रिभुज के केंद्रक से होते हुए कोई माध्यिका निकलती है, ठीक है, माध्यिका निकलती है, तो उस माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है कौन, तो ये जो केंद्रक है वो, ठीक है, केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करती है। तो ये जो लंब जो डाले, ये तो माध्यिका ही तो है इस त्रिभुज का, है ना, यानी ABC का तो माध्यिका तो है। तो ये केंद्रक क्या करेगा, इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 1, और केंद्र जो है उसको हम मान लेते हैं O, क्या मान लेते हैं O, यानी AO की वैल्यू हो गई 2 और OD की वैल्यू हो गई 1, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे भैया, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कि त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, माध्यिका को माधि
का को दो अनुपात एक में अंतः विभाजित करता है ठीक है, करता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुपात में इसको लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एओ बटे में ओडी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एओ और बटे में ये ओडी हम लिखेंगे, तो हम लिखते हैं ओडी बराबर। तो देखिए एओ हमारे पास क्या है, दो है, तो हम लिखेंगे ऊपर दो, और ओडी हमारे पास क्या है, एक है, तो हम लिखेंगे एक। मैंने लिख दिया, अब इसको इधर हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से भैया, आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक एओ जो है, तो भैया ये तो वृत्त का केंद्र भी है, तो कहने का मतलब केंद्र से अगर ए तक ये जो रेखा जाएगा तो ये एक तिरजा भी कहलाएगा, है ना। तो वृत्त की तिरजा पहले से क्या दे रखी है, तो वृत्त की तिरजा दे रखी पहले से 32 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब आप आसानी से कह सकते हो कि एओ बराबर 32 सेंटीमीटर भी हुआ, है ना। तो हम एओ के जगह पे 32 रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 32 एओ के जगह, और बट्टे में है ओडी, तो हम लिखेंगे ओडी, और बराबर में 2/1 है तो 1 काट दो, 2 से 16 × 2 = 32 कट गया, इसके नीचे ये ऊपर 1 जाएगा। अब डी ओ से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, या ओडी से 1 में गुना करेंगे, आर पार गुना होता है कि नहीं, बराबर रहता है, तो ओडी हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 16 से ये 1 में गुना करेंगे तो 16, तो ओडी की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा ओडी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ओडी की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। तो जरा चित्र में देखिए, ओडी बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 16 सेंटीमीटर, है कि नहीं। आपको पता है कि OA की वैल्यू कितना है पहले से, यानी ये तो वृत्त की त्रिज्या भी है, इसलिए ये वृत्त की त्रिज्या बोले तो 32 सेंटीमीटर है ये पहले से। तो कहने का मतलब A से लेके D तक, तो AD की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD बराबर कितना होगा, तो OA प्लस में OD होगा, है ना। तो OA की वैल्यू कितना है 32, तो हम लिखेंगे 32, और प्लस में OD की वैल्यू कितना है 16, तो हम लिखेंगे 16। तो बराबर कितना आ गया भैया 32 16 48 सेंटीमीटर, तो AD आ गया 48 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो A से D तक 48 आ गया। अब आपको पता होगा कि ये जो अगर हम चलेंगे त्रिभुज ABD में, तो ये एक त्रिभुज आता है जो कि समकोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना। तो आपको AD पता हो गया, तो हम इसको एक भुजा मान लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं भैया, मान लो कि हमने इसको A मान लिया, क्या मान लिया, A मान लिया, किस भुजा को, तो AB को हम A मान लिए, तो बताइए BD क्या होगा हमारे पास। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा मान लेते हैं तो सभी भुजा वही हो जाते हैं, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ये A होगा, तो ये भी भुजा हमारे पास बोले तो AC भी A ही होगा और BC भी A ही होगा, है ना। तो BC अगर A होगा तो हमको तो ज़रूरत है B से लेके D तक की, तो BC का हम आधा कर देंगे। तो BC का आधा करने का मतलब है कि A का आधा करेंगे, है कि नहीं। तो हम एक आधा करेंगे तो बोले तो ए बटा ये 2 आ जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अरे भैया चुपो, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं भैया, यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण हमारे पास ये है बोले तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब हमारे पास है एडी, तो एडी का स्क्वायर करेंगे तो एडी हमारे पास कितना है 48, हम कर देंगे 48 का स्क्वायर, और प्लस आधार, तो आधार हमारे पास के ए बाई 2, तो हम करेंगे ए बाई 2 का होल स्क्वायर, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब क्या करते हैं भैया 48 का स्क्वायर करेंगे, यानी 48 को 48 से गुना करोगे तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 2304 होता है, और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो पक्षांतर कर लेते हैं, ए स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस के ए स्क्वायर और बट्टे में 4 हो जाएगा, बराबर में 2304 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। इसके नीचे एक छिपा रहता है, चार लेंगे एलसीएम तो हमारे पास हो जाएगा क्या 4a² और माइनस की ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है कि नहीं, बराबर ये हो जाएगा 2304, तो हम लिखेंगे 2304
चार, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भैया, चार को ए स्क्वायर में से एक गो ए स्क्वायर घटाएंगे तो तीन को ए स्क्वायर और बट्टे में चार हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2304 बट्टे में एक। यहाँ से क्या करेंगे, चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं भैया, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो नीचे और जाने देते हैं इसको। हम डायरेक्ट, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, चार से तो इसमें गुना हो जाएगा ना, तो 2304 गुने में ये हो जाएगा चार और बट्टे में ये तीन आ जाएगा नीचे, कैलकुलेशन करके देख लेना। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा। तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या पड़ेगा, रूट, तो 2304 गुने में चार और बट्टे में तीन का क्या हो जाएगा, रूट अंडर। चलो हम एक एक करके रूट अंडर निकालते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2304 का रूट अंडर निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, हमने तो यहाँ तो निकाला था 48 का स्क्वायर किए थे, तो हम 48 निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 48 और गुने में चार का वर्गमूल निकालेंगे तो दो और बट्टे में तीन का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये तीन रहेगा रूट अंडर में। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, है कि नहीं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 3 48 बोले तो 16 गुने में रूट अंडर तीन गुने में रूट अंडर तीन कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि रूट अंडर तीन से रूट अंडर तीन गुना करेंगे तो तीन होगा, तीन से 16 में गुना करेंगे 48 हो जाएगा। तो 48 को ऐसे लिख सकते हैं और बट्टे में और गुने में दो है तो दो, बट्टे में रूट अंडर तीन, ये रूट अंडर तीन से रूट अंडर तीन कट गया। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 16 दूना 32, तो बोले तो 32 रूट अंडर तीन आ गया, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया 32 रूट अंडर तीन सेंटीमीटर। तो आ गया ना अब हमारे पास समबाहु त्रिभुज का एक भुजा, ये भुजा प्राप्त हो गया, जो मैंने माना था कि माना एक भुजा ए ए माना था, तो ए की वैल्यू आ गई ना 32 रूट अंडर थ्री। अब हम निकालेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर थ्री बटा फोर गुने भुजा स्क्वायर, तो रूट अंडर थ्री और बटा में फोर और गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारे पास ये है, तो 32 रूट अंडर तीन का स्क्वायर कर देंगे। ओके, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर थ्री बटा में फोर अगुने 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर करने का मतलब समझ रहे हैं कि 32 गुने 32, तो 32 गुने 32 कितना होता है, 1024 और गुने में रूट अंडर तीन का स्क्वायर करेंगे तो केवल तीन होगा, ठीक है। अब चार से इसको काट दो, तो चार से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 फिर दू जाएगा 4 पंचे 20, अभी बचेगा 4 छक 24, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना काटा, है ना, 256 आ रहा है। तो ये हमारे पास देख लेते हैं ट्राई करके फिर से कितना होगा, 256 ही होगा, चलो ठीक है कट गया। अब 256 में क्या करेंगे, तीन से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे अगर 256 में तीन से गुना करते हैं तो 36 18 हासिल 1 5 15 1 16 6 हासिल 1 और 3 6 7 बोले तो 768 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 768 और रूट अंडर में ये तीन होगा, तो रूट अंडर तीन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया और वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या ज्ञात किया था, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ज्ञात किया था। तो इस क्षेत्र वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, चलो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, वो दिया गया है 22528 बटे में 7 और घटा देंगे हम क्या, वही 768 रूट अंडर 3। तो यही हमारे पास क्या हो गया भैया, आंसर हो गया, ठीक है, यहीं तक रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके, चलो इसको आप लोग क्या करो, लो स्क्रीनशॉट मार लो, जैसे चाहो वैसे मार सकते हो। ओके, चलो बाय।